और अब बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में हड़कंप है। आधी दुनिया ने ब्रिटेन से एयर ट्रैफिक रोका है, यूके आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक है। 15 देशों ने यूके की फ्लाइट्स पर रोक लगाई है। ईरान, सऊदी अरब, टर्की में भी ब्रिटेन की फ्लाइट पर रोक है। उधर ब्रिटेन में कोरोना लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वो पूरी खबर इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। नए साल के आगाज से पहले ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में खौफ पसर गया है। नए स्ट्रेन के कहर को देखते हुए ब्रिटेन ने रविवार को सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में खौफ का मंजर। सख्त पाबंदियों के साथ ब्रिटेन में लॉकडाउन लागू। ब्रिटेन सरकार ने क्रिसमस के सभी कार्यक्रम रद्द किए। सख्त लॉकडाउन से 1,60,00,000 लोग प्रभावित होंगे। ब्रिटेन में कोरोना तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। नए स्ट्रेन पहले के मुकाबले 70% ज्यादा खतरनाक है, जिसका संक्रमण और मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बदल रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, नया वेरिएंट ज्यादा घातक है, बेकाबू है। मैट हैनकॉक की तरफ से बयान है, नया वायरस पहले के मुकाबले 70% अधिक संक्रामक है। ये बहुत बड़ा बयान है। नई पाबंदियां महीनों तक लागू रह सकती हैं, ये बात भी कही गई है। लॉकडाउन में अपने अपने घरों में लोग रहें, ये बात भी कही गई है। तो एक और, जहां ब्रिटेन कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त लॉकडाउन लागू कर चुका है, तो वहीं दूसरे देश भी कोरोना के खतरे को देखते हुए यूके जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,66,00,000 के पार पहुंच गया। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमण की दर अचानक बढ़ गई। इसे देखते हुए कई देशों ने ब्रिटेन जाने वाली उड़ानों को रोक दिया। तुर्की और ईरान ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई। नीदरलैंड और बेल्जियम ने भी उड़ानों को रोका। बेल्जियम ने ब्रिटेन को जोड़ने वाली रेल सेवा भी स्थगित की। जर्मनी ने भी ब्रिटेन जाने वाले विमान सेवा पर पाबंदी लगाई। इससे पहले फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बुल्गारिया पहले ही ब्रिटेन की यात्रा पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर चुके हैं। नए कोरोना पर WHO की बड़ी वार्निंग सामने आई है। नए खतरनाक वायरस पर तुरंत एक्शन की जरूरत है। यूरोपीय देशों को डबल सख्ती करनी होगी। और यहां पर बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। कोरोना के नए वेरिएंट से खतरे के बीच एक राहत वाली खबर भी आई है। कोरोना वैक्सीन पर जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। वायरस के नए वेरिएंट में भी असरदार होगी वैक्सीन, ये बात कही गई है। ये राहत वाली खबर पूरी दुनिया के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।